दोस्तों कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मैं अब काम की तरफ जा रहा था तो मैं सोच रहा था रास्ते में जा रहा हूँ तो आपके सामने कुछ बातें भी हो जाएंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। मैं अभी घर के बालकोनी पर खड़ा हूँ, जो सीढ़ियाँ होती हैं तो मैं दिखा देता हूँ, ये जो सीढ़ियाँ हैं उधर है लिफ्ट। बने रहिए इस वीडियो को और आज कुछ ऐसी अपडेट्स देने वाला हूँ जो आप लोगों के जो थोड़े थोड़े सवाल थे उन सवालों का आंसर भी देने वाला हूँ, क्योंकि जो सारे सवाल का कमेंट्स जो है यूट्यूब पर आंसर देना इतना मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो सोच रहा हूँ कि एक वीडियो भी बन जाएगी और आपके साथ जो कमेंट्स के आंसर हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो और बने रहिए इस वीडियो को। ये कुछ नज़ारा यार, मौसम ऐसा है कुछ आज बादल सा हो रहा है, ठीक है। ये नीचे की बिल्डिंग है। सवाल ये पूछा गया था कि सर ऑफ़र और वीज़ा में डिफरेंस क्या है। देखो यार, ऑफ़र जो होता है वो कंपनी देती है आपको। ऑफ़र आने के बाद आपको पहले ये पता लग जाता है कि कौन सी कंपनी में मेरी जॉब लगी है, और ऑफ़र के बाद जो वीज़ा होता है, जिस जो वीज़ा जो है वर्क परमिट में होता है, एस पास में होता है और एम्प्लॉयमेंट पास में होता है। तो ऑफ़र लेटर कैसे चेक करा जाता है, ऑलरेडी एक वीडियो है, आप इधर आई बटन पर आ रही होगी, आप उसको देख लेना कि ऑफ़र लेटर कैसे चेक करें। उसके बाद एक जो ऑफ़र लेटर आपका जो आता है, उसके बाद जो आपका एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, वर्क परमिट, ये तीन कैटेगरीज हैं। तो इनको कैसे चेक करा जाता है, इसको बोलते हैं आईपीए। आईपी आता है कि आपका आईपी आता है वर्क परमिट पे, आईपी आता है एस पास पे, आईपी आता है एम्प्लॉयमेंट पास पर। तो आईपीए कैसे चेक कर सकते हैं, उस वीडियो का भी लिंक इधर डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है। तो ये पूछ रहे थे कि जो साइकिलिंग के लिए रोड बनाया हुआ है सिंगापुर में वो किस हिसाब से। तो देख लो यार, जो ये रेड वाली लाइन है ना, ये सब साइकिलिंग के लिए है, और यहाँ वॉकिंग है, और यहाँ कार और बस के लिए जो है। सो इस तरह से कुछ हिसाब किताब रहता है यहाँ साइकिलिंग चलाने का। अगर आप इस रोड पर साइकिल चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रोड पर चलाओगे चालान कट सकता है, अगर रोड पर चलानी है तो आपको हेलमेट वगैरह भी लगाना पड़ता है। तो ये है साइकिलिंग का, हर जगह आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और पूछ रहे थे कि लोग कि सर सिंगापुर में वर्क परमिट के लिए आना है तो कैसे आया जाए, क्या प्रोसीजर्स है। तो पहले तो बात बता देता हूँ कि यार वर्क परमिट पर आने के लिए आपको कोई ऐसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एक स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जर्नल में आ रहे हो तो पासपोर्ट इनफ, और अगर आप स्किल्स जॉब पे आ रहे हो तो आपको स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, वो इंडिया में हैं 5 इंस्टीट्यूट हैं, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप वहाँ से स्किल करते हैं तो आपको जॉब भी असिस्ट करते हैं और स्किल भी आपको देते हैं, वो MOM से अप्रूव्ड हैं प्लस BCE से। तो वर्क परमिट लेने के लिए आपको वहाँ जाकर स्किल तो लेनी ही पड़ेगी, अगर आप स्किल जॉब्स के लिए आ रहे हैं। अब वो वर्क परमिट की एजेंसीज वगैरह क्या है वो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो को ना पूरी देखा करो तो ये समझ आता है। वर्क परमिट की जो एजेंसीज का एड्रेस वगैरह है, इधर आई बटन पर एक वीडियो आ रही होगी, आप उसको जाके देख लेना कि वर्क परमिट इन सिंगापुर एजेंसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। वीज़ा पर लोग कितना कमा लेते हैं, स्टूडेंट कितना कमा लेते हैं, ये बहुत बड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पर ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करते हैं। किस और कंट्री में करते होंगे, लेकिन सिंगापुर में जो स्टूडेंट वीज़ा जो होता है मोस्टली 18 से 20 आवर का होता है एक हफ्ते का, तो हिसाब लगा लो। लेकिन हाँ, या स्टडी वीज़ा पर आपको 6 महीने की OGT मिलती है। अगर आप डिप्लोमा वगैरह करते हो तो OGT की जो फीस है ना, वो करीब जो आपको सैलरी मिलेगी OGT ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, वो आपके डिप्लोमा के साथ जो 6 महीने की होती है उसकी जो सैलरी होती है $1400-1500 होती है एक महीने की। लेकिन ड्यूरिंग द स्टडी आप 18 से 20 घंटे ही काम कर सकते हैं, पर आवरली बेसिस में भी हो सकता है $8, $7, $9, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, ठीक है। सवाल और पूछा गया था कि सर कि स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं या किसी भी पर्पज़ पे आ रहे हैं तो सिंगापुर में पैकिंग की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने का सामान लाना पड़ता है। तो यार एक तरह से यार इंडिया की बहुत सारी चीज़ें मिल ही जाती है, और रही मौसम की बात, कपड़े लत्तों की बात, तो कपड़े लत्ते तो क्या यार, यहाँ मौसम कुल मिला के एक जैसा ही होता है, एक बरसात होती है और एक थोड़ा गर्मी सुहावना मौसम सा जिसे रहता है, जैसे 28 डिग्री से 32 डिग्री की टेम्परेचर। तो यार कपड़े कोई ऐसा सर्दी वर्दी की जैकेट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंबल वम्बल की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल से ही है जो अपने नॉर्मल में यूज़ करते हैं। इस शॉप में ना रिनोवेशन हो रहा है, तो यहाँ पर
सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, और जो भी कुछ पूछना है वो कमेंट्स में कर देना, अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर कमेंट कर दूंगा, नहीं तो आपके ऊपर इसी तरह से वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।